कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाताओं का आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। सरकार और अन्नदाता दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ गए हैं। अन्नदाता कृषि कानूनों को नुकसानदायक बता रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। पीएम से लेकर सरकार के सभी मंत्री दावा कर रहे हैं कि कानून अन्नदाताओं के हक में है, इसीलिए इसे वापस नहीं लेंगे। और सरकार के इन्हीं दावों पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अन्नदाताओं के आंदोलन से सरकार घिरती नजर आ रही है। केंद्र सरकार सहित जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं, वो कृषि कानूनों के फायदे बताने में लगी है। पीएम भी लगातार कानूनों के फायदे बता रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अन्नदाताओं को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। विपक्षी भी अन्नदाताओं के समर्थन में खुलकर आ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि कितने अन्नदाताओं को अभी जान देनी होगी, ये कानून कब वापस होंगे। राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। 10 दिन से तो आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं और सरकार के बीच चर्चा भी नहीं हुई है। 8 दिसंबर को अमित शाह और कृषक संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, इसके बाद से बातचीत तक नहीं हुई है। ऐसे में सरकार आंदोलन को कितना खींचने देती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।